वह एक जेलीफिश है। चलो चलें, चलो चलें। क्या हो रहा है? पहले ऊपर आओ, पहले ऊपर आओ। नेपोला, ये ऐसा है, वहाँ नीचे बहुत सारी जेलीफिश है। ये इतनी गर्म है कि ये मुझे मार रही है। मैं लाल हूँ और मुझे एलर्जी है। चलो चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो चलो, बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी देर के लिए यह बहुत असुविधाजनक है। कुंताओ, मैं तुम्हें हर दिन बाहर खींच रहा हूँ और तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें नीचे जाना होगा और मेरा इंतजार करना होगा। चट्टानों की दरारों के पास बहुत सारा समुद्र है। चलो चलो, अपना मुखौटा ऊपर उठाओ, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तुम इसे पहुंचो और देखो कि आपकी गर्दन की सारी एलर्जी दूर हो गई है। मैंने आखिरी निवाला लिया और अपना मुंह बंद कर लिया। जाओयू, वह कहां गया था? वह बस सामने मछली पकड़ने गया था। मैं जाओयू को खोजने गया और उसे पकड़ लिया। नहीं, मैंने दो को पकड़ लिया, उन्हें उस खाई में, और मुझे इसे खोजने दो। यह ठीक है। दो छोटी पाइपफिश, बहुत छोटी हैं, बस उन्हें साशिमी करो। ठीक है, चलो। प्रिय, क्या तुमने उन्हें धोना समाप्त कर लिया है? जल्दी करो और मछली खाओ। चलो, ये दो मछलियां बहुत छोटी हैं, यदि आप इन्हें ग्रिल करेंगे तो ये बेकार हो जाएंगी। चलो, आप दोनों इनमें से प्रत्येक को सिर्फ साशिमी कर सकते हैं। सुनिए, आप दोनों इन्हें क्यों नहीं खाते? मैं देखूंगा कि क्या मैं दो और पकड़ सकते हैं। इस प्रकार की समुद्री मछली को वापस लाना ठीक है, आपको इसे ताजा होने पर खाना होगा। वाह, मांस बहुत कोमल है, यदि आपके पास कुछ सरसों हो तो बहुत अच्छा होगा। ये कैसा रहेगा मेरे प्रिय? ये ठीक है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा मछली जैसा है। सब कुछ ठीक है, ये बहुत ताजा है। वाह, ये बहुत ठोस है। आह, यह सिर्फ मैं हूं। इस मछली को पकड़ना आसान नहीं है, आप इसे क्यों नहीं आजमाते? यदि आप करना चाहते हैं, पहले इस मछली को पकड़ें। क्या आप नहीं जानते? नहीं, मैं नीचे जाऊंगा और दो डालूंगा। ओमान की तरह उनके स्थानीय लोग बहुत अधिक मछली नहीं खाते हैं। आह, तो यहां मछलियां बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। चलो, मुझे ऐसा करने के लिए कहें, आइए एक साथ काम करें। मैं नीचे जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं दो लॉबस्टर ऊपर ला सकता हूं। पिछले कुछ दिनों में ओमान का शांत और क्रिस्टल साफ पानी हॉर्मुज में मछली डालने के लिए बहुत उपयुक्त है। समृद्ध पोषक तत्व जलड मरुमध्य ने बड़ी संख्या में मछली स्कूलों को जन्म दिया है, लेकिन साफ पानी ने मछली स्कूलों की तात्कालिकता को अदृश्य रूप से बढ़ा दिया है। जब मैंने समुद्र के किनारे खोजबीन जारी रखी तो मुझे कई बड़ी मछलियां मिली। जैसे ही आप लॉन्च करते हैं, वे भरोसा करते हैं लचीले ढंग से चलने पर। बिट्स हमेशा आपके पास से गुजरते हैं, इसलिए मैं केवल अपनी रणनीति को लगातार बदल सकता हूं, ताकि मछली के उन समूहों को आपस में जोड़ने और अलग करने के तरीके ढूंढ सकूं, जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो। अंतिम झटका इस पर पड़ता है और यह फिसल नहीं सकता। मैं कर सकता हूं, बाहर मत निकलो। कोई बात नहीं, ट्रेडिंग बार लगभग 1.5 किलोग्राम का है। मैं आज हार गया। गोता लगाने के दौरान मैंने कुल दो मछलियां पकड़ी। हाइपोथर्मिया के कारण मुझे पहले शिविर में लौटना पड़ा। यह बहुत कष्टप्रद था। क्या तुमने कोई पकड़ा? बताने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी और उन सभी को सीगल ने खा लिया। देखो, यहां एक छोटा लड़का इंतजार कर रहा है। देखो, यह सच है कि यह छोटा लड़का सिर्फ खा सकता है। ऐसा क्यों है? वह अपने परिवार को अपने साथ घसीट रहा है। वह बहुत भयंकर है। जल्दी करो और 5 खजाने और 6 खजाने खाने के लिए जल्दी करो।